Hello everyone, today I am going to explain one of the basic problem of foreign currency transaction jo basically BCOM aur BAF ke syllabus mein aata hai. So for that, one simple problem on your screen. Question number 1, DK Limited of India brought goods from for $4,500 from Goldsmith Limited of USA on 1st May 2017, मतलब 1st May 2017 को DK Limited जो इंडिया की कंपनी है brought goods for $4,500 from Goldsmith Limited. इन्होंने Goldsmith Limited से $4,500 को कुछ goods credit पे purchase किए हैं. On 20 May 2017, payment was made to the extent of $2,250. 20 May 2017 को इन्होंने वो जो क्रेडिट पे परचेस किया था उसका 50% अमाउंट 2250 पे किया है एंड द रिमेनिंग अमाउंट वॉज पेड ऑन 31 मई 2017. और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो उन्होंने 31 मई 2017 को पे किया है. अब इस प्रॉब्लम में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि ये जिस डेट को आपका ट्रांजैक्शन हुआ है उस डेट को डॉलर का वैल्यू इंडियन रुपीज़ में क्या था. तो जैसे कि आप देख रहे हो 1 मई को परचेस हुआ था, वो डेट को एक डॉलर का कीमत था इंडियन 47 रुपीज़. 20 मई को जब फर्स्ट पेमेंट किया गया तब एक डॉलर का कीमत था ₹50 और 31 मई को जब फाइनल पेमेंट किया गया उस डेट को इंडियन ₹46 था एक डॉलर के मुकाबले. नौ पांच जरा एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ DK लिमिटेड. हमें DK लिमिटेड में जरा एंट्री पास करना है एंड प्रिपेयर फॉरन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट और हमें फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है. सो इसके लिए फिलहाल ये याद रखो, हम इन द बुक्स ऑफ DK लिमिटेड में ये जर्नल एंट्री पास करने वाले हैं. सो फॉर टाइम बीइंग हम DK लिमिटेड है ऐसे ही सोच के हमें सब एंट्री पास करना होगा. आपके स्क्रीन पे जो अभी मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन किया वो एक शॉर्टकट तरीके में दिख रहा है. देखो 1 मई 2017 को परचेस हुआ है $4,500 को, उस डेट को आपके एक डॉलर का कीमत है ₹47. 20 मई को आपने 50% पेमेंट किया है, उस डेट को एक डॉलर का कीमत है ₹50. और 31 मई को आपने फाइनल पेमेंट किया है, उस डेट को एक डॉलर का कीमत है ₹46. नाउ जर्नल एंट्री के लिए सबसे पहले जर्नल बनाते हैं. सो ऑन योर स्क्रीन जर्नल ऑफ DK लिमिटेड. 1 मई को आपने गुड्स परचेस किया. आपको पता है कि जब भी आप गुड्स क्रेडिट पे परचेस करते हो या कैश में परचेस करते हो तो परचेस अकाउंट डेबिट होता है. अगर आप कैश में परचेस करते हो तो क्रेडिट में आएगा टू कैश, लेकिन अगर आप क्रेडिट पे परचेस करते हो तो क्रेडिट में पार्टी का नाम आता है जिससे आपने ये गुड्स परचेस किया है. सो 20 मई को सॉरी 1 मई को जब मैं मेरा पहला जर्नल एंट्री पास करूँगा दैट जर्नल एंट्री विल बी परचेस अकाउंट डेबिट. अब ये मैं कितना पेमेंट करूँगा, देखो $4,500 को मैंने ये सब गुड्स परचेस किया और उस डेट को एक डॉलर की कीमत ₹47 था. सो 4,500 इंटू 47 अमाउंट आएगा ₹2,11,500. सो परचेस अकाउंट डेबिट ₹2,11,500 और ये क्रेडिट परचेस है तो पार्टी का नाम आएगा, पार्टी का नाम है टू गोल्ड स्मिथ लिमिटेड अकाउंट अमाउंट ₹2,11,500. नरेशन आएगा बीइंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट. तो ये पहला एंट्री हो गया जिस दिन आपने गुड्स क्रेडिट पे परचेस किया. अब 20 मई को आपने फर्स्ट पेमेंट किया है. अब देखो आप पेमेंट कर रहे हो, DK लिमिटेड पेमेंट कर रहा है, सो रिसीवर है गोल्ड स्मिथ लिमिटेड. सो डेफिनेटली पर्सनल अकाउंट रूल के हिसाब से गोल्ड स्मिथ अकाउंट डेबिट होगा और आप पेमेंट कर रहे हो तो नीचे टू बैंक आएगा. बट आपने जब गुड्स परचेस किए थे तब डॉलर का रेट 47 था और अभी आप जब पार्ट पेमेंट कर रहे हो तब डॉलर का रेट ₹50 है. मतलब जो गुड्स आपने ₹47 एक डॉलर का कीमत था उस हिसाब से परचेस किए थे, लेकिन आज आपको एक डॉलर का ₹50 पे करना है. इसका मतलब इधर आपको पर डॉलर ₹3 का लॉस होने वाला है. बिफोर पासिंग दिस जर्नल एंट्री मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आपको लॉस होगा तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट होने की वजह से वो आपके जर्नल एंट्री में डेबिट में आएगा और जब भी आपको प्रॉफिट होगा
तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट क्रेडिट में आएगा। तो देखते हैं सेकेंड एंट्री, जब आपने आपका 50% पेमेंट गोल्ड स्मिथ लिमिटेड को किया था। सो 20 मई रिसीवर गोल्ड स्मिथ लिमिटेड, इसके लिए गोल्ड स्मिथ लिमिटेड अकाउंट डेबिट, हमें एक्चुअली पेमेंट करना था 47 रुपीज़ के हिसाब से, दैट्स वाई ब्रैकेट में लिखेंगे 2250 × 47, अमाउंट हो जाता है 1,05,750। लेकिन क्योंकि उस दिन एक डॉलर का रेट 50 रुपीज़ था, तो हमारा टोटल पेमेंट गया होगा 2250 × 50 रुपीज़, मतलब हमारा पेमेंट गया है 1,12,500। देखो आपने जो गुड्स परचेज किया उसका वैल्यू था 1,05,750, लेकिन आप पे कर रहे हो 1,12,500। ये जो डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम है, उसमें डेबिट के कॉलम में देखो अमाउंट का शॉर्टेज आ रहा है, तो ये जो दोनों अमाउंट है इसका डिफरेंस मुझे डेबिट में लिखना होगा, और ये जो डिफरेंस है इसे ही कहा जाएगा फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। सो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट 2,250 × 3, इस ट्रांजैक्शन में आपको 2,250 × 3 किया तो 6,750 का लॉस हो गया। तो इस तरह आपका 50% पेमेंट का एंट्री पास हो गया। नाउ रिमेनिंग 50% का पेमेंट आपने 31 मई को किया है, लेकिन देखिए जब 31 मई को आपने ये पेमेंट किया है तभी एक डॉलर का कीमत 46 रुपीज़ है, मतलब जो गुड्स आपने 47 रुपीज़ के हिसाब से परचेज किया था उसका पेमेंट अभी आप 46 रुपीज़ के हिसाब से कर रहे हो, तो डेफिनेटली इस एंट्री में आपको एक डॉलर के पीछे 1 रुपीज़ का प्रॉफिट होने वाला है। तो जो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट अभी वाली एंट्री में डेबिट में आया है, अब इस वाली एंट्री में फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट क्रेडिट में जाएगा। देखते हैं, सो 31 मई अगेन गोल्ड स्मिथ लिमिटेड अकाउंट रिसीवर है, सो गोल्ड स्मिथ लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में अगेन हमें पेमेंट करना है 2250 × 47, अमाउंट वही आएगा 1,05,750, लेकिन क्योंकि उस दिन डॉलर का रेट 46 था तो हमारा पेमेंट उनको होने वाला है टू बैंक अकाउंट 2250 × 46, अमाउंट आएगा 1,03,500। देखिए इससे पहले वाले जर एंट्री में आपका क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा था, अभी आपका डेबिट का अमाउंट ज़्यादा है, इसके लिए जो डिफरेंस आएगा फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट अभी इस एंट्री में क्रेडिट में आने वाला है। सो टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट 2250 × 1 रुपीज़, बिकॉज आपको 1 रुपीज़ का इसमें प्रॉफिट हुआ है, एंड दैट अमाउंट इज ऑल्सो 2250। इस तरह हमारा फाइनल पेमेंट हो गया। अब अभी भी मेरा एक एंट्री करना बाकी है, लेकिन उस वो एंट्री क्या है, ये जो डीके लिमिटेड को गोल्ड स्मिथ लिमिटेड से फाइनली कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ इस पूरे ट्रांजैक्शन में, वो हमें निकालना है। लेकिन उसके लिए मुझे बनाना होगा फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, और ये फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट देखो आपके स्क्रीन पे आ गया इन द बुक्स ऑफ डीके लिमिटेड फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। इस अकाउंट में मैं सिर्फ वही एंट्री करूँगा जिधर जो जो एंट्री में फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट लिखा होगा। तो आपको दिख रहा है 20 मई के एंट्री में फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट में है, इसका मतलब इस अकाउंट में ये एंट्री डेबिट साइड में होगा, और 31 मई में फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट क्रेडिट में है, इसका मतलब इसका एंट्री फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट के क्रेडिट में होगा। अब हमें ये देखना है जब डेबिट में एंट्री करेंगे तो क्या लिखना है। ऑब्वियसली 20 मई को जब फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट में है तो टू मतलब क्रेडिट में आपने लिखा है टू बैंक, दैट्स वाई मेरा पहला एंट्री 20 मई 2017 को टू बैंक अकाउंट 6,750 आएगा, और 31 मई को क्योंकि मेरा फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट क्रेडिट में है तो इस एंट्री में मैं क्रेडिट में इसे पास करूंगा 31 मई 2017, और जब फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन क्रेडिट में है तब डेबिट में गोल्ड स्मिथ लिमिटेड अकाउंट होने की वजह से मुझे इधर लिखना होगा बाय गोल्ड स्मिथ लिमिटेड अकाउंट 2250। अब आपको लेजर का रूल बहुत अच्छी तरह पता है, लेजर में जो भी अमाउंट जो भी साइड हैवी होता है वही अमाउंट पहले दोनों तरफ लिखा जाता है। इस रूल के हिसाब से डेबिट में मैंने लिख दिया 6750, सेम अमाउंट मैंने क्रेडिट में लिख दिया 6750। अब जो डिफरेंस आएगा वो क्रेडिट साइड में आने वाला है, इसी डिफरेंस को हम ट्रीट करेंगे हमारा प्रॉफिट या लॉस अकाउंट। सो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एंट्री अभी क्रेडिट में पास होगा क्योंकि क्रेडिट में मुझे अमाउंट का शॉर्टेज दिख रहा है। सो 31 मार्च 2018 को हम ये हिसाब करने बैठेंगे कि डीके लिमिटेड को गोल्ड स्मिथ लिमिटेड से एक्चुअल में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, इसलिए 31 मार्च 2018
बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिफरेंस आएगा 6750 माइनस 2250, दैट डिफरेंस विल बी 4500। अब इस 4500 का मैं जर एंट्री पास कर रहा हूँ। देखो, जब किसी लेजर को देख के आप जर एंट्री पास करते हो तो क्रेडिट का एंट्री होगा तो पहले आपको अंदर का नाम लिखना होता है और फिर अकाउंट का हेडिंग लिखना होता है। उस रूल के हिसाब से मेरा लास्ट जर एंट्री आएगा प्रॉफिट एंड 2018 31 मार्च, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट 4500, एंड नरेशन आएगा बीइंग लॉस ऑन फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो फ्रेंड्स, आज के इस प्रॉब्लम में मैंने एक बेसिक फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन का प्रॉब्लम आपको एक्सप्लेन किया है, जिस जो इन द बुक्स ऑफ बायर में था। जल्द ही मैं आपके लिए इन द बुक्स ऑफ सेलर वाला भी एक सिंपल प्रॉब्लम लेके आऊँगा और उसके बाद हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम हैं वो देखने वाले हैं। दैट्स वाई आई सजेस्ट यू, आप ये चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।